वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग बात करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर स्लाइड लेआउट की। स्लाइड लेआउट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, चलिए जल्दी से हम लोग ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इम्प्रेस के अंदर स्लाइड्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, एंड आज हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर लेआउट्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक डिज़ाइन ओपन किया है जो कि मेरा टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया, जिसके अंदर ये डिज़ाइनिंग मेरी आएगी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं स्लाइड लेआउट की। तो लेआउट का ऑप्शन आपको स्लाइड मेन्यू के अंदर ही मिलेगा। ये तीनों ऑप्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये तीनों आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं लेआउट ऑप्शन की। तो लेआउट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपका ब्लैंक स्लाइड। तो जैसे जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लेआउट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यही लेआउट का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर ये आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपका नहीं शो हो रहा है, मान लीजिए ऐसे क्लोज है और आपको शो करना है, तो आपको इस प्रॉपर्टी वाले ये जो आपका साइड बार दिया हुआ होता है, ये साइड बार भी अगर आपके में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपके में साइड बार शो नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई साइड बार नहीं आ रहा है और आपको इस साइड बार देखना है, तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ F5। और आप चाहें तो इस पर व्यू मेन्यू में जाके इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से साइड बार पे, या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ F5, तो आपका साइड बार यहाँ पर साइड में शो हो जाएगा। एंड आप इस पर क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन जो आपको दिया है प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लेआउट शो हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लेआउट है ब्लैंक स्लाइड। तो ब्लैंक हम कब लेते हैं, यानी कि ब्लैंक के अंदर आपका कोई भी एड टाइटल करने का या टेक्स्ट बॉक्स आपको शो नहीं होगा। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको कुछ लिखना है तो लाइक जैसे मैं लिखना चाहती हूँ ब्लैंक के अंदर, हम यहाँ से लेते हैं इंसर्ट के अंदर, फॉन्ट वर्क के थ्रू मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं फॉन्ट वर्क ले सकती हूँ, और कोई सा भी यहाँ से आप स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आप यहाँ पर लिखा हुआ चाहते हैं, और आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लिब्रे इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ साइज, तो यहाँ पर मेरा वही लिखा हुआ आ गया है। तो ब्लैंक में आप जैसे चाहे वैसे वर्क कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ से इमेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं राइटर के अंदर कि आप इंसर्ट मेन्यू जाके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट वर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लिब्रे ऑफिस राइटर्स की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लिंक बॉक्स में से जाके देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये इमेज यहाँ पे लगानी है, तो इस तरीके से आप इमेज भी इंसर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। ओके, तो ब्लैंक स्लाइड में अगर आप टेक्स्ट करना चाहो तो टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फॉन्ट वर्क का आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंसर्ट से ही आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन शो हो जाएगा, और आप यहाँ पे जो भी चाहे वो यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ डेट डालना चाहती हूँ या हम यहाँ पे अपना नेम लिखना चाहते हैं। तो ब्लैंक लेआउट का मतलब है इस ब्लैंक लेआउट में आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ब्लैंक लेआउट था। फिर सेकंड हम यहाँ पे दूसरी स्लाइड में, सेकंड है हमारा है यहाँ पर टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप काम करना चाह रहे हैं। या आपको चाहिए टाइटल ओनली तो आप यहाँ से ले सकते हैं टाइटल ओनली, कि मुझे सिर्फ टाइटल डालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेसिक ऑफ कंप्यूटर, और इसको हम टाइटल बना लेते हैं, यानी कि थोड़ा साइज वगैरह हम इसका इंक्रीज कर लेते हैं,
कलर इसका अच्छा से रख लेते हैं। फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी में ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट इमेज। तो डेस्कटॉप पर इमेजेस में हम देखते हैं, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस के नाम से। तो फोल्डर हम ओपन कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। फिर से मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एम शॉर्टकट की होती है, या फिर आप सीधा स्लाइड में जाके कंट्रोल एम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल वाला, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड के लिए यूज किया है। फिर सेकंड में मैंने यहाँ से टाइटल ओनली यूज किया है। अब मान लीजिए मुझे एक जगह डेफिनेशन भी चाहिए, इमेज भी चाहिए और टाइटल भी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ से किसी भी टाइप का सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको अपना कंटेंट शो करना है। तो मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं टाइटल लाइक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड यहां से मैं इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ। कोई सी भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं टाइटल सॉरी यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन लिख सकती हूँ। कहने का मतलब है कि जैसा आपको वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा चेंज कर रही हूँ, मैं डेफिनेशन वाला यानी कि ये वाला टाइटल मैं यहाँ इसके ऊपर रखना चाहती हूँ। ठीक है, उसको पहले हम इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, एंड यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड ऑटो करेक्ट टू इंस्ट्रक्शन में जाएंगे एंड ये हमारी स्पेलिंग यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड लेके दिखाती हूँ, न्यू स्लाइड। एंड यहाँ पे आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि अगर आप दिखाना चाहते हैं इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस आप शो कराना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी तरीके का वर्क करना चाहते हैं उसी तरीके के लेआउट को आप यहाँ से ईजिली सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे आप उनकी इमेजेस सेट कर सकते हो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की इमेजेस सेट करके यहाँ पे उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो इनपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे इनपुट डिवाइस की, एंड फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो आउटपुट डिवाइस के बारे में। एंड यहाँ पे आप उसकी इमेज वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लेआउट का यूज, यानी कि जिस लेआउट में जिस तरीके से आपको अपने काम को प्रेजेंट करना है उसी तरीके का लेआउट आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टाइटल में ये वाला हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं गैलरी का यूज करूंगी ना कि टेक्स्ट बॉक्स का, तो यहाँ से मैं गैलरी से यूज कर सकती हूँ फ्लो चार्ट और डायग्राम्स।
और इनको ड्रैग करके आप यहाँ पे लाके छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये था आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर लेआउट का वर्क, कि लेआउट हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें लेआउट का यूज करना होता है। ठीक है, जिस टाइप के, जिस तरीके से आप अपने वर्क को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप अपने कंटेंट को शो करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, लेआउट सेलेक्ट करना होता है। तो अलग अलग लेआउट में आप अपना वर्क करते हैं तो ज़्यादा हमें इम्प्रेसिव नज़र आता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और रीड आउट करने के लिए भी हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।